है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हम आज आपको जो है डिटेल में सुनाते हैं, तो चलिए मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए। BSNLWWCC की बैठक और GMTD चेन्नई में 11-12-2021 को आयोजित की गई थी। विस्तृत चर्चा के बाद बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं, तो चलिए वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है जिनको इस बैठक में पारित किया गया है आज हम आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। GMTD लुधियाना पंजाब सर्कल के आधिकारिक शक्तियों के दुरुपयोग और उसके यौन उत्पीड़न और महिला कर्मचारियों को मानसिक यातना देने के लिए कड़ी निंदा करता है। CMD BSNL को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए GMTD लुधियाना पंजाब सर्किल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और BSNL के महिला कर्मचारियों की हमेशा विनम्रता की रक्षा करने के लिए कार्रवाई करने की पंजाब की महिला कर्मचारियों को मुद्दे का प्रतिनिधित्व करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने और GMTD लुधियाना पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सचिव और सहायक सचिव दूरसंचार केंद्र सरकार के माननीय मंत्री और दूरसंचार राज्य मंत्री को, महिला आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय और भारत की माननीय प्रधानमंत्री को, ACC सदस्यों, CH की सर्किल जिला पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अनुबंध श्रमिकों को पूरे देश में 8-12-2021 को एक उत्साही ब्लैक बैज प्रदर्शन का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए GMTD लुधियाना पंजाब सर्किल की निंदा करते हुए और तत्काल कार्रवाई की मांग के लिए बधाई। निर्देशों और केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिला और सर्कल स्तर पर BSNL कार्यालयों में उत्पीड़न शिकायत समितियों को सुनिश्चित करें। BSNL में कार्यस्थलों पर महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय और भोजन कक्ष सुनिश्चित करें। कार्यस्थलों और ग्राहक स्थलों पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि चाइल्ड केयर लीव पर DOP and DT के आदेशों का अनुपालन बिना किसी नई शर्तों को शामिल किए और DIR और CMD BSNL को संबोधित करने के लिए किया जाता है। CCL से इनकार करने के लिए नई शर्तों के साथ अमृतसर प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब सर्किल, कर्नाटक में 31 जनवरी 2022 से पहले जिला और सर्कल स्तर के WWCC का गठन करें। महिलाओं और बच्चों पर हमलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं और महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा और सभ्य जीवन की मांग करते हुए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उचित तरीके से मनाएं। पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस और सभी आवश्यक वस्तुओं पर GST के माध्यम से अभिमानी कराधान की निंदा करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा उच्च मूल्य वृद्धि की जाती है और उच्च कराधान को वापस लेने की मांग की जाती है। 23 और 24 फरवरी 2022 को आम हड़ताल करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान को एक बड़ी सफलता के रूप में लामबंद करना और अधिकतम प्रयास करना है। आम हड़ताल के लिए उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के 2 ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित करें। तो धन्यवाद दोस्तों।